हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं मूंगफली की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह बहुत ही चटपटी और बहुत ही स्वादिष्ट चटनी है। मूंगफली की चटनी बनाएंगे, इसका इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। लाल मिर्च पाउडर, नमक, लहसुन, जीरा, मूंगफली, नारियल, तिल, रेड चिली, साबुत रेड चिली, आमचूर। सबसे पहले पैन गरम करेंगे, एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स को बिना तेल का भुनेंगे। तो सबसे पहले तिल भून लेती हूँ, हाफ टी स्पून तिल। गैस ऑफ कर दे और तिल निकालें। हाफ टी स्पून जीरा, जीरा भुन चुका है, हल्का भुनना है ताकि फ्लेवर भी अच्छा हो और पीसने में भी आसान हो। तो इसमें डाल देते हैं। अब रेड चिली गरम कर लेंगे। रेड चिली गरम हो चुका है, निकाल लें। नारियल 20 ग्राम नारियल को ग्रेट किया हुआ है, हल्का सा इसे सॉटे करना है, ज़्यादा भुनना नहीं है और कलर में परिवर्तन आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। पैन में थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल डालें। अब इसमें लहसुन डाल दें, मूंगफली। इधर मूंगफली भून रहा है, इस बीच हम थोड़ा इसमें आमचूर हाफ टी स्पून डाल देंगे, नमक, मूंगफली भून चुका है, इसको ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालकर मिक्स करके इसको पीस कर पाउडर तैयार करेंगे। मूंगफली और लहसुन ठंडा हो चुका है, अब हम इसको पीस लेंगे। अब हम इसको निकालेंगे। इस चटनी को चेक करके देखेंगे, अगर हमें नमक और मिर्च कम लगता है तो हम इसमें थोड़ा और ऐड करेंगे। इसी तरह से आप भी इस चटनी को तैयार करें। मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और अपने पसंद की रेसिपी के लिए कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।